नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह। नमस्ते, दिस इज मितेश सिंह। तो गाइस, आप लोगों ने क्या सोचा, अगर शिल्पा नहीं है तो क्या उसके चैनल पे वीडियोस नहीं आएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक हूँ वीडियो आती ही रहेगी। तो गाइस, आज हम लोग लेकर आ गए हैं एक वीडियो, और इस वीडियो पे आई थिंक हमने रिएक्शन किया हुआ है, लेकिन हमारे साथ एक न्यू मेम्बर है, तो मैंने सोचा कि इसको ये वीडियो दिखाई जाए। वीडियो का नाम है छापा फैक्ट्री। जैसा आप लोग सब जानते हैं छापा फैक्ट्री में क्या होता है, और ये है पार्ट वन और पार्ट टू। कोई आइडिया है छापा फैक्ट्री क्या होता है? नहीं, इसके बारे में सुना है कि वो ऐसे गीत पे वो जो सॉन्ग्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं हमें कौन सा जो भी कुछ है। अभी तेरे को थोड़ा शॉक लगने वाला है। हाँ, क्योंकि बॉलीवुड सॉन्ग तो तुमने काफ़ी सुने हुए होंगे, देखे होंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और गाइज, आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी कर सकते हो। और अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप हमें डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, सबकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और जो ओरिजिनल वीडियो है उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं, उसके बाद मैं इसके कमेंट्स लूँगा कैसा लगा इसको, कितना शौक हुआ ये। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। हियर वी गो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। ये तो बहुत पॉपुलर सॉन्ग है और लेटेस्ट सॉन्ग है ये। हाँ, वो पंजाबी में। अरे यार, ये सॉन्ग नहीं हो सकता पॉपुलर, ऐसा लगता है ना। कितना हिट सॉन्ग है ये, कितने बार सुना होगा हमने। थोड़ा सा मॉडिफाई किया था लग रहा। पूरे उसके लिए यार कॉफी है, पूरे के पूरे। अरे यार, ये भी कॉफी है। हल्का सा चेंज किए हैं ना, थोड़ा बहुत थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। ऐसा लगता है काफी पहले आ चुकी होगी ये सॉन्ग। वो पूरा का पूरा वही है, अभी पूरे का पूरा वही लग रहा है, जैसे वही हो। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, लड़का बदनाम हुआ हसीना। पूरा वही ऐसे ऐसे पूरा बदल रहा है, वर्ड्स चेंज कर रहा है, वर्ड्स थोड़े चेंज कर दिए बस, लड़का की जगह लड़की। हाँ, तो वो मूवी का सॉन्ग है ना क्या? अपने हाथों से शराब फिर नहीं रहती हराम पी लीजिए। मैं गाए तुझे सारा जहां, गाए तुझे ये मेरा दिल, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जान। नुसरत फतेह अली खान, वर्ड चेंज किए हुए ना, अलग था यार। हाँ, थोड़ा अलग था, मैच भी हो रहा था। इश्क़
सॉन्ग है ये भी कॉफी ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है। मैंने कभी नहीं सोचा था ये पहले से है कॉफी के हुए। ये बहुत फेमस सिंगर थी पाकिस्तान की, ये जो लेडीज है ना। जो हम लोग आजकल सुनते हैं रिमिक्स करके, और वो कितने पुराने सॉन्ग है वो। हाँ वो पहले हो चुके होते हैं। मेन चीज क्या पता है, ये लोग ना पहले स्टेज पे परफॉर्म करते थे, इससे कोई लाइसेंस नहीं होता इनके पास, है ना, कोई लाइसेंस रजिस्टर नहीं करवाते थे लोग अपने सॉन्ग को। भर तो झोली मेरी अदनान साहब ने, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर तो झोली मेरी सारी ऐसे कोई कवाली है। किसी भी इंडियन को दिखा थोड़ा शॉक तो हो ही जाएगा। इसमें पता है क्या, लिरिक्स सेम है, कंपोजिशन सेम है, जिस तरीके में गाए तो लाइंस अलग है, हो सकता है मॉडिफाई किया हो, काफी मिलता जुलता होता है। ये तो सेम पंजाबी में है, ये पंजाबी में। तो क्या कहना चाहेगा, क्या लगा तुझे, कैसा लगा? अरे मैंने कई ऐसे इसमें कई ऐसे सॉन्ग थे जो मेरे फेवरेट थे, पर मुझे भी नहीं पता था ये पहले ही हो चुके, पहले ही हो गए। पर पहले क्या होता था, वही जो है ना, पहले वो स्टेज प्रोग्राम होते हैं, जैसे भैया ने बताया वो स्टेज होते थे, स्टेज पे उन्हें पता क्या होता है, रहता नहीं, उनको नाम नहीं मिला उतना जितना मिलना चाहिए उनको, उसकी वजह से फिर ये डब हो गया, इसलिए हमें पता नहीं चला। एक जो सॉन्ग होते हैं ना, एक्चुअल में आजकल क्या होता है, कोई भी सॉन्ग अगर गाए जाते हैं, कुछ भी होता है, अगर वो डायरेक्ट यूट्यूब पर भी अपलोड होंगे ना, तो उसको यूट्यूब का लाइसेंस मिल जाता है। तो अगर वो सॉन्ग को कोई कॉपी करता है, गाता है, या फिर उसको वापस से यूट्यूब पर अपलोड करता है गाकर, तो हमारे पास एक राइट्स होती है कि हम उसको स्ट्राइक दे सकते हैं, या फिर अपना क्लेम कर सकते हैं कि हमारा गाया हुआ सॉन्ग है, क्योंकि पहले हमारा कॉपीराइट रहता है। हाँ, कॉपीराइट हमारे पास रहता है। उसी तरीके से जो बॉलीवुड के सॉन्ग हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्री टी सीरीज वीसीरीज, इनके जितने भी सॉन्ग आते हैं ना, ये रजिस्टर्ड होते हैं सारे, लाइसेंस होता है इनके पास, इनका कॉपीराइटेड सॉन्ग बोलते हैं। तो आजकल ये बहुत पॉसिबल है ही नहीं, किसी का सॉन्ग कॉपी कर पाना, कॉपी कर नहीं सकते आप। लेकिन मुझे लग रहा है ये वही है कि पहले बहुत पुराने ज़माने में बहुत ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है गाने का, टैलेंट तो बहुत है, देखा बहुत सारा टैलेंट है उनके पास गाने में यार, बहुत तगड़े हैं यार वो वहाँ के लोग, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी तुमने तो यही देखा है, अभी तो तू कोक स्टूडियो तूने सुना ही होगा। हाँ सुना है मैंने, है ना, कोक स्टूडियो इंडिया में स्टार्ट हुआ था लेकिन इतना चला नहीं, तो फ्लॉप हो गया, ठीक है। लेकिन अभी जो कोक स्टूडियो सबसे ज़्यादा चलता है वो पाकिस्तान का ही चलता है, ठीक है, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं वहाँ पे। अभी सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, अभी नेक्स्ट सीज़न आएगा, तो और भी वहाँ पे तो स्ट्रीट सिंगर, हमने वहाँ के बहुत सारे सिंगर्स भी रिएक्शन किया ऑलरेडी, वहाँ के स्ट्रीट सिंगर होगा जो रोड साइड से बैठे गरीब लोग, कोई पेंट कर रहा है, गा रहा है इतने अच्छे अच्छे, तो वही है कि थोड़ा सा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है, स्टेज वगैरह वहाँ थोड़ी सी कम है, तो लेकिन ये है कि भाई टैलेंट से भरा पड़ा है पूरा कंट्री। हाँ ऐसे उनको भी एक स्टेज पे मिल जाए तो उनका भी नाम हो जाए, स्टेज है वैसे वहाँ पे, लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री ने यहाँ ग्रो किया है बहुत ज़्यादा, उस हिसाब से वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल पाई, कोई भी रीज़न हो, गवर्नमेंट रीज़न हो, चाहे कैसा भी रीज़न हो, लेकिन टैलेंट तो है, टैलेंट तो उनमें भर भर के उनको टैलेंट। और बहुत सारे सॉन्ग तो ऐसे जो लेटेस्ट है बिल्कुल, अभी रिसेंटली आए हैं बहुत सारे, है ना। हाँ और कुछ कुछ पंजाबी है, कुछ पंजाबी सॉन्ग्स है जैसे। हाँ और कुछ कुछ मुझे क्या लग रहा है पता है, गाने का जो स्टाइल होता है ना वो सेम है, लेकिन
लाइंस थोड़ी अलग लग रही थी मुझे। हाँ उसके लेयर अलग रही थी, म्यूजिक सेम रहता था, म्यूजिक सेम था, और एक आध दो में तो ऐसा था कि कुछ वर्ड्स चेंज किए थे बस, छोटे छोटे जो पीछे आते हैं वर्ड्स चेंज कर दिए थे कुछ कुछ में। तो चलो अब जो भी कुछ है, अब आई डोंट नो कि क्या बोलते हैं, क्रेडिट दिया है कि नहीं दिया है, मेरे ख्याल से तो नहीं दिया, नहीं दिया है क्योंकि बहुत पुराने हैं तो गायब हो गए, लेकिन इस चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है, चैनल अच्छा काम किया इसके सबके सामने लाए कि दिखा रहे कि कौन सा सही था कौन सा। और ये बहुत मुश्किल काम भी है कि एक ओरिजिनल सॉन्ग ढूंढना और एक ओल्ड सॉन्ग ढूंढना और उसको बनाना कि कौन कौन से सॉन्ग कॉपी है, तो ये अच्छा काम किया चैनल ने। आप लोग जरूर जाकर विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करने आप लोगों को, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ईमेल पे भी कर सकते हो, ईमेल तो हम लोग ट्राई करते हैं सारे ही रीड करने के। तो वैसे चलते हैं फिल्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस, बाय बाय, नमस्ते।